नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज और मैं आपके साथ हूं आकांक्षा यादव। चुनाव विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आती है। 2017 में सुराव में भाजपा समर्थित अपना दल के जमुना प्रसाद ने बहुजन समाज पार्टी के गीता देवी को 17,735 वोटों से हराया था। यहां से भाजपा ने गठबंधन में 21 साल बाद जीत का स्वाद चखा। इस सीट पर सभी दल के प्रत्याशी जीत चुके हैं, लेकिन अब यह क्षेत्र अपना दल का गढ़ माना जाता है। सीट की मुख्य बातें। सुराव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पासी मतदाता है। इस सीट पर कांग्रेस, जनता पार्टी और दो बार जनता दल का कब्जा रहा है। 1985 में कांग्रेस के भोला सिंह यहां से जीते थे। 1989 में भी वे यहां से जीते, लेकिन इस बार वे जनता दल के उम्मीदवार थे। उन्होंने राम मंदिर की लहर के दौर में भी तीसरी बार 1991 में जीत दर्ज की, लेकिन 1993 में बहुजन समाज पार्टी के हीरामणि पटेल बाजी मार ले गए। 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत मिली और रंग बहादुर पटेल कमल खिलाने में कामयाब रहे, लेकिन 2002 में बसपा के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने उन्हें हरा दिया। 2007 में सिद्दीकी दूसरी बार यहां से जीते। 2012 में परिसीमन के बाद यह सीट सुरक्षित हो गई और समाजवादी पार्टी के सत्यवीर मुन्ना जीत दर्ज करने में सफल रहे। 2017 में इस सीट पर भाजपा गठबंधन अपना दल का कब्जा हो गया। वर्ष 2074 में इस सीट पर भारतीय क्रांति दल से जंग बहादुर सिंह पटेल जीते थे। जंग बहादुर पुनः 1977 में भी जनता पार्टी के बैनर तले जीते। 1980 में राधेश्याम पटेल जनता पार्टी SC से जीते। इसके बाद भोला सिंह 1985 में कांग्रेस से, 1989 में जनता दल एवं 1991 में पुनः जनता दल से चुनाव जीते। 1993 में बसपा ने खाता खोला और हीरामणि पटेल जीत कर आए। 1996 में भाजपा का खाता खुला और रंग बहादुर पटेल ने जीत दर्ज की, लेकिन 2002 में बसपा से मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने जीत दर्ज कर पुनः कब्जा कर लिया और 2007 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। 2012 में यहां से सत्यवीर मुन्ना ने जीत दर्ज कर सपा का खाता खोला, लेकिन 2017 में अपना दल से डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने जीत दर्ज की। वर्ष 2017 के चुनाव में यहां मतदाताओं की संख्या 3,60,205 थी। अब आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 18,007 बढ़कर 3,78,212 हो गई है, जो आगामी चुनाव में अपना विधायक चुनेंगे। राजनीतिक इतिहास। आज़ादी के बाद से सुराव विधानसभा सीट का नाम चार बार बदला है। वहीं इस विधानसभा सीट पर सभी दल के प्रत्याशियों को जीत का मौका मिला है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से 9 पर जीत मिली। यह भाजपा की बड़ी कामयाबी रही। अब 2022 के चुनाव में दोबारा जीत दर्ज करना किसी चुनौती से कम नहीं है। उल्लेखनीय है कि सुराव विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा पासी मतदाता हैं। इस जाति के मतदाताओं की संख्या इस विधानसभा सीट पर 1,00,000 के करीब है।